भारत कशीदगी का बायस बनने वाले किसी भी इकदाम से बाज रहे, एक इंच जमीन पर भी समझौता नहीं होगा। चीनी वजीर दिफा ने मोदी सरकार को दो टोक पैगाम दे दिया। मॉस्को में शंघाई तावुन काउंसिल तंजीम के इजलास के मौके पर चीन के वजीर दिफा जनरल वेई फेंगी और भारतीय हममनसब राजनाथ सिंह के माबैन होने वाली मुलाकात के बाद दोनों जानिब से बयानात जारी किए गए, जिनमें जून के दौरान लद्दाख के इलाके में होने वाली कशीदगी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया गया। आलमी खबर इस इदारे के मुताबिक चीन के वजीर दिफा वी फेंगी ने भी मुलाकात के बाद अपने बयान में दो टोक अंदाज में भारत को कशीदगी के जानब बढ़ने से खबरदार किया है। उनका कहना था कि चीन अपने इलाकों पर कोई समझौता नहीं करेगा और भारत ऐसे किसी भी इकदाम से बाज रहे जिसके बाद कशीदा सूरत हाल पैदा होने का इम्कान हो, और वाजे किया है कि चीन अपने इलाकों से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दोनों ममालिक के माबैन मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए मुलाकात बेतकल्लुफाना माहौल में हुई। इलावा अजी उन्होंने जून में होने वाली कशीदगी के लिए चीन को जिम्मेदार करार दिया और चीनी फोर्सेस को अमन माहदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अमन से मसाइल हल करना चाहता, ताहम इस बात में भी शुबा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी इलाकाई सालमियत के तहफ्फुज़ के लिए पुरअमन हैं।